दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने चैनल को सर्च में सबसे ऊपर कैसे लाएं। जैसा कि हमारी वीडियो सर्च में टॉप पर आती है, वैसे ही चैनल भी टॉप पर आने लगे तो मजा ही आ जाए, क्योंकि अगर सर्च कोई करता है हमारे चैनल को, उसे हमारी वीडियो दिखती है, अच्छी लगती है और फिर वो सोचता है कि सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब कर लूं या किसी को शेयर कर दूं, जिससे कि इस चैनल पर अच्छे कंटेंट आते हैं तो फिर ये चैनल ज़्यादा आगे तक जाना चाहिए। बट अगर कोई सर्च करता है तो हमारा चैनल दिखता ही नहीं है। क्यों नहीं दिखता है, क्या करना होता है, मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और लाइक तो बनता ही है। आओ, कंप्यूटर स्क्रीन पर यहां पर मैंने ओपन कर लिया है अपना कंप्यूटर स्क्रीन और उसके बाद अब हम आपको बता रहे हैं करना क्या है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं आपको चैनल सर्च करके दिखा देता हूं। यहां पर मैं लिखता हूं यूट्यूब और यूट्यूब लिखने के बाद इस चैनल का नाम कर लेता हूं कॉपी और चैनल का नाम करने के बाद कॉपी यहां पर मैं करूंगा क्लिक और जैसे ही मैं करता हूं क्लिक उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं हमारा चैनल यहां पर आ रहा है टॉप पर। मतलब कि चैनल अगर टॉप पर आता है, 8 वीडियो सिर्फ डाली है और चैनल पर सब्सक्राइबर कितने हैं, 93 सब्सक्राइबर हैं, फिर भी चैनल टॉप पर आता है। और आपको यहां पर दिखा दूं कि और भी चैनल होंगे लेकिन वो नहीं आते हैं, और आपको फिल्टर करके अगर दिखाऊंगा तो अभी आपको पता चल जाएगा। यहां पर चैनल पर क्लिक करता हूं, फिल्टर करके दिखाता हूं तो आप देख सकते हो बिकम क्रिएटर्स के नाम से एक और भी चैनल है और बिकम क्रिएटर के नाम से है एक चैनल, यहां पर बिकम क्रिएटर्स के नाम से है, बिकम क्रिएटर्स के नाम से बहुत सारे चैनल हैं, तो उनका चैनल सर्च में नहीं आता बट अपना चैनल सर्च में आता है। कैसे आता है, ये क्या करना होता है, जो कि एक ऐसी सेटिंग YouTube की है जो कि कोई नहीं बताता है, हम आपको बताने के लिए रेडी हैं। यहाँ पर अब आपको मैंने लाइव प्रैक्टिकल दिखा दिया। आपको अपने चैनल के इस टाइप से इंटरफेस पर आ जाना है जिसे हम बोलते हैं क्रिएटर स्टूडियो, और क्रिएटर स्टूडियो आप अपने मोबाइल वाले सेक्शन पर भी आ सकते हैं। अगर आपका मोबाइल अच्छा खासा है तो आप मोबाइल पर ये काम कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मोबाइल को डेस्कटॉप वर्जन पर कर लेना। इतना करने के बाद अब यहां पर फोटो पर क्लिक करना है। फोटो पर क्लिक करने के बाद योर चैनल पर क्लिक करिए। योर चैनल पर क्लिक करने के बाद यहां पर हमारे सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद यहां पर अब हम अबाउट वाले ऑप्शन पर आएंगे। अबाउट ऑप्शन पर आने के बाद कस्टमाइज चैनल पर करेंगे क्लिक। कस्टमाइज चैनल पर जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया टैब ओपन होता है जहां पर हम कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने तरीके से चीजों को सेट कर सकते हैं, जो भी कंटेंट हम सेट करना चाहें, ठीक है। यहां पर अभी मैं सिर्फ आपको चैनल सर्च में लाने का तरीका बता रहा हूं तो वो जान लीजिए। बेसिक इन्फो में आइए। बेसिक इन्फो में आने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं मैंने यहां पर 2 कॉमा लगा के इधर और 2 कॉमा इधर लगा के ये लिख रखा है अपने चैनल का नाम। मतलब कि ये हो गया हमारा एक टैग बन जाता है जब हम कोई कॉमा लगा देते हैं या फिर हम एक पार्टिकुलर नाम को लिखते हैं जो कि हम उसे हाईलाइट करना चाहते हैं तो साइड साइड में कॉमा लगा देते हैं जिससे कि हमारा नाम हाईलाइट हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में आके अपने चैनल का नाम, और अगर कोशिश करिए 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए तो बेटर रहेगा। जैसे कि मेरा चैनल यहाँ पर एक नाम यहाँ आ रहा है बिकम क्रिएटर्स और दूसरा यहां पर आ रहा है बिकम क्रिएटर्स, तो इस टाइप से आपको काम करना है, ठीक है। पहला काम ये बताया जो आपको करना है। उसके बाद आपको दोस्तों यहां पर कस्टम यूआरएल बना लेना है अगर आपके चैनल पर 100 सब्सक्राइबर से ऊपर हो गए हैं तो। अब कस्टम यूआरएल आप सोच रहे होंगे कि मेरे चैनल पर 93 सब्सक्राइबर अभी मैंने आपको दिखाया और आप कह रहे हो कि कस्टम यूआरएल कैसे बना लो 100 सब्सक्राइबर के बाद ही बनेगा, लेकिन मेरे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर थे जब मैंने कस्टम यूआरएल बना लिया बट अभी 7 सब्सक्राइबर कम हो गए हैं, तो कस्टम यूआरएल बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो YouTube कहता है कि एक बार आपने अगर हमारा एलिजिबल क्राइटेरिया पार कर लिया, क्राइटेरिया एलिजिबल हो गए, तो फिर आप उसके बाद कम हो जाए ज़्यादा हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हम आपका काम जैसा आप करके रखेंगे वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये काम आपने कर लिया। अब ये सारा काम करने के बाद आपको सेव पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको आना है सेटिंग वाले ऑप्शन में। सेटिंग वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको आना है चैनल पर। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर आ रहा है कीवर्ड। ये सारे कीवर्ड जो मैंने लिख रखे ना, आप देखो बिकम क्रिएटर्स, बिकम क्रिएटर्स, बिकम क्रिएटर्स, बिकम क्रिएटर्स, बिकम क्रिएटर्स, क्रिएटर्स, बिकम कंटेंट क्रिएटर और बिकम क्रिएटर, ये मैंने इतने नाम डाल रखे हैं। अगर कोई इस तरीके से सर्च करे तो हमारा चैनल वहां पर दिखेगा। ये हो गया दूसरा काम।
तीसरा काम जो कि आपको करना ही चाहिए अपने चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये काम है कि यहाँ पर अपलोड डिफॉल्ट पर करें क्लिक, टाइटल में अपने चैनल का नाम डाल दीजिए और डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल का नाम डाल दीजिए। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टाइटल और डिस्क्रिप्शन से आपकी वीडियो भी ऊपर आएगी अगर आपके चैनल का कोई नाम सर्च करेगा तो, और आपका चैनल भी सर्च में टॉप पर आएगा। तीसरा काम ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये काम जो मैंने अभी आपको YouTube पर बताए हैं यही काम आपको अपने चैनल को सर्च में लाने के लिए करना होगा। और आपको एक काम और बता देता हूँ जो कि है नंबर चार। चौथा नंबर आपका ये है कि आप अपने कंटेंट पर जाइए और जितनी भी वीडियो आपने अपलोड की है उन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल का नाम डाल दीजिए। इससे आपका चैनल टॉप पर आने की पूरी पूरी उम्मीद होती है। पॉइंट नंबर पाँच जो कि आपको जानना चाहिए, ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग गलती करते हैं। अपने चैनल का नाम आपको रखते टाइम ये ध्यान में रखना है कि उसी नाम का कोई और चैनल ना हो, पहला चीज। दूसरी बात कि अगर उस नाम से चैनल है तो आपका नाम थोड़ा बहुत तो स्पेलिंग चेंज होनी ही चाहिए, लेकिन आपका नाम का स्पेलिंग अगर थोड़ी बहुत चेंज है फिर भी आपका चैनल टॉप पर सर्च में नहीं आएगा। इन केस आपका चैनल अगर एक सिमिलर नाम है तो, क्यों? क्योंकि बड़े चैनल को YouTube ज़्यादा दिखाता है सर्च में, छोटे को धीरे धीरे नीचे नीचे दिखाता है। लेकिन इन सब को करने के बाद भी अगर आपका चैनल का नाम सर्च में नहीं आ रहा है तो आप अपने चैनल का नाम चेंज करिए। नाम अगर चेंज नहीं करेंगे तो कोई भी ताकत नहीं है कि आपके चैनल को सर्च में ले आए। ये सेटिंग होती है जो चैनल सर्च में लाती है। ये सारी करने के बाद अगर नहीं आ पाता है तो आप अपने चैनल का नाम चेंज कर दीजिए। आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।